हेलो गाइस, और आप लोगों को मैं गेम प्लेस के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कर रहे हैं एक हार्ड डिस्क का रिव्यू, जो कि है सिलिकॉन पावर आर्मर A60। ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डब्बे के नीचे देख सकते हैं कि डब्बे के नीचे यहाँ पे लिखा है USB 3.1 Generation 1। तो ये USB 3.1 सपोर्टेड है, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सारा डेटा बहुत जल्दी और तेज़ स्पीड के अंदर ट्रांसफ़र करने के काबिल है। इसके अलावा हम अगर आगे चलें और देखें डब्बे के नीचे, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंट का भी ऑप्शन है, और उसके अलावा ये शॉक प्रूफ है, और साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। साथ ही साथ ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है, जो कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स कर सकते हैं, जिसके साथ आप क्लाउड बैकअप भी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग साइट पे देख सकते हैं, कुछ स्पेक्स लिखी हुई हैं और ये लिखा हुआ है कितनी फ़ोटोज़ और कितनी म्यूज़िक वीडियोस आप डाल सकते हैं इस हार्ड ड्राइव के अंदर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फ़ाइल साइज़ के ऊपर, तो इसलिए ये बिल्कुल एक रैंडम चीज़ है। तो अगर हम बॉक्स के पीछे देखें तो यहाँ पर सारी तफसीलात लिखी हुई हैं। उसके अलावा पैकेज कॉन्टेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 1 TB की पोर्टेबल ड्राइव मौजूद है, उसके अलावा एक यूज़र मैनुअल मौजूद है और वारंटी कार्ड। आइए अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी ड्राइव। अब ड्राइव खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वारंटी कार्ड नहीं, तो इसका मतलब है कि मुझे अब सिर्फ दुकानदार की ज़बान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये मैंने कराची सदर रीगल एरिया से ख़रीदी है। अगर हम बाहर का हिस्सा देखें तो हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और नाइस स्मूथ फिनिश है, काफ़ी रफ़ एंड टफ़ लग रहा है। इसके अलावा साइड पे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है और केबल को सिक्योर करने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है। अगर हम बैक साइड पे देखें तो ये 2 ग्रीन स्ट्रिप्स हैं, जो कि टेबल के ऊपर अच्छे से जमा के बिठाएंगी हमारी हार्ड ड्राइव को और हिलने से महफूज रखेंगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी है और कलर भी है, और तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के साथ इसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करके देखते हैं और देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मुझे जल्दी से इसको लगाने दीजिए अपने कंप्यूटर के साथ। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्राइव रीड कर ली ही है हमारे सिस्टम ने। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर कितनी फ्री स्पेस दिखा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 999 GB है, जो कि 1 TB है फ्री स्पेस, और FAT32 फॉर्मेटेड है, जिसका मतलब है कि हम इसको मैक, विंडोज़ और PS4 या Xbox One के साथ डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई एक
GB से ज़्यादा की फ़ाइल को मैं ट्रांसफ़र करके देख सकूं कि मुझे इसके लिए कितना वक्त दरकार है। तो मुझे सबसे पहले एक फ़ाइल चूज़ करने दीजिए। जी दोस्तों, मेरे ख्याल में मैंने ये फ़ाइल पिक की है जिसका साइज़ है 1.16 GB। तो आइए अब हम इस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर कितना टाइम लगता है। तो मुझे इसको कॉपी करने दीजिए जल्दी से, और अब हम इसको अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर डाल के देखते हैं कि किसको कितना टाइम दरकार है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर कॉपी कर रहा है। ये तकरीबन 20 से 22 सेकंड का टाइम लगा है 1.16 GB की फ़ाइल को कॉपी करने में। इसका ताल्लुक यकीनन आपके कंप्यूटर की स्पीड से भी है और रैम से भी है, मगर एक जनरल आईडी के तौर पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 GB की फ़ाइल को 20 सेकंड लगे हैं। अब मैं चाहता हूं कि यही फ़ाइल जो इस वक्त हमने कॉपी की है, मैं वापस हार्ड डिस्क से कॉपी करूं और अपने सिस्टम के अंदर उसको पेस्ट करूं। तो आइए अब हम करके देखते हैं कि ऐसा करने में हमें कितना टाइम लगेगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के अंदर कॉपी करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कमोबेश एक ही जितना टाइम लगा है, जो कि तकरीबन 20 से 22 सेकंड का टाइम है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना PS4 के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी हार्ड ड्राइव को और देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है फाइल कॉपी करने में अपने PS4 से अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर। जी दोस्तों, तो मैं ये एक फ़ाइल कॉपी करने जा रहा हूँ जिसका साइज़ है 1.55 GB, और अब देखते हैं कि ये टोटल कितना टाइम लगाती है मेरी हार्ड ड्राइव में कॉपी होने के लिए। और दोस्तों, हमारी फ़ाइल तकरीबन कम्प्लीटली कॉपी हो चुकी है। इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगा कॉपी होने में। अब मैंने दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी समरी तैयार की है जिसमें मैं तमाम चीज़ें एक ही जगह पे आपको बता सकता हूँ। आज हम लोग कर रहे हैं हार्ड ड्राइव सिलिकॉन पावर आर्मर A60 1 TB का रिव्यू। ये हार्ड ड्राइव मैंने जो है फरवरी 2019 के अंदर ख़रीदी और इसकी कीमत तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी रुपया थी। ये मैंने कराची रीगल सेंटर से ख़रीदी, तो आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि आपको वारंटी कार्ड साथ मिले। उसके अलावा 7,000 से 7,500 के दरमियान में जो मुख्तलिफ 1 TB के ऑप्शन थे, उसमें वेस्टर्न डिजिटल मुझे मार्केट में मिला, सीगेट 1 TB, और उसके अलावा ईडेटा 330। अगर हम अपने हार्ड ड्राइव के फीचर्स की बात करें, वाटर रेजिस्टेंट और शॉक रेजिस्टेंट है। इसके अलावा ये 3.0 USB कंपैटिबल है, साथ ही बैक कंपैटिबिलिटी 2.0 की भी है। 3 साल की वारंटी आती है। अगर आपके पास वारंटी कार्ड है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये FAT32 फॉर्मेटेड आती है, जिसका मतलब है आप मैक, विंडोज़ और PS4 या Xbox के साथ डायरेक्ट प्लग इन प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है स्पीड टेस्ट का, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी दिखाया। तो अगर हमने मैक से
ट्रांसफ़र की अपनी फ़ाइल हार्ड डिस्क के ऊपर जिसका साइज़ 1.16 GB था उसको तकरीबन 24 सेकंड लगे ट्रांसफ़र होने में। जब हमने उसी फ़ाइल को वापस ट्रांसफ़र किया अपनी हार्ड डिस्क अपने मैक के ऊपर तो हमें तकरीबन टाइम लगा 25 सेकंड। आखिर में जब हमने PS4 से हमने हार्ड ड्राइव के ऊपर फाइल को कॉपी किया जिसका साइज़ 1.55 GB था हमें तकरीबन 145 सेकंड जो कि तकरीबन 2 से 2.5 मिनट बनते हैं। आखिर में मैं ये बात कंक्लूड करना चाहूँगा कि इसके साथ हार्ड ड्राइव के बहुत अच्छे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं अपने डेटा को और उसके साथ ही साथ आप जो हैं क्लाउड के ऊपर भी सेव कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी, अच्छी नाइस फिनिशिंग।